नमस्कार मेरी माता और मेरी बहनों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की महिलाओं के बारे में, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो कुंवारी हो। यदि वो जीवन में तीन राशि के पुरुषों के साथ शादी करती हैं, लव करती हैं, दोस्ती करती हैं, बिजनेस करती हैं, कैसा भी संबंध बनाती हैं, तो ये बहुत ही प्रगढ़ मजबूत रिश्ते होते हैं और जीवन में हर खुशहाली लाते हैं। कभी दिलों में मनमुटाव नहीं होता और कभी दिलों में जहर नहीं होता। तो मेरी माता बहनों, वो कौन कौन सी ऐसी कर्क राशि की महिलाओं के लिए पुरुषों की मित्र राशि मानी जाती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मेरी माता बहनों, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे आपके रिश्ते किसी भी राशि के पुरुष के साथ बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं या बाई चांस भविष्य में बनेंगे, तो सबसे पहले रिश्तों को चलाने के लिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की क्षमता होनी चाहिए और दिलों में कपट नहीं होना चाहिए और कभी आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आप किसी भी रिश्ते में इन बातों का प्रयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं तो वो रिश्ते कभी नहीं चलते हैं। हमेशा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ हर रिश्ते चलते हैं। लेकिन मैं खास जो आज बात कर रहा हूँ वो कर्क राशि की महिलाओं के लिए इसलिए कर रहा हूँ, यदि इन तीन राशियों के साथ ये कैसा संबंध बनाएंगे तो ये बहुत ही प्रगढ़ होता है, क्योंकि ये कर्क राशि की महिलाओं के लिए मित्र राशि मानी जाती है। और जो रिश्ते मित्र राशि, यानी कि पुरुष जो मित्र राशि मानी जाती है महिलाओं के लिए, वो बहुत ही अच्छी होती है, शुभ होती है। यदि किसी भी महिला या पुरुष की आपस में राशियां शत्रु राशियां होती हैं तो वो रिश्ते कभी चलते नहीं है, उनमें अनबन रहती है और हमेशा खटास रहती है। तो इसलिए मैं ये खास जानकारी अपनी माता बहनों को देने जा रहा हूँ, ताकि वो अपने जीवन को सुधार सकें और अपने जीवन खुशहाल बना सकें, अपने रिश्तों को और भी मधुर और मजबूत बना सकें। तो वो कर्क राशि की महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी पुरुषों की तीन राशि हैं जिनके साथ इनके संबंध बहुत ही प्यारे माने जाते हैं? तो तीन राशियां हैं मिथुन, सिंह और कन्या। यदि इनके साथ आपके रिश्ते बनते हैं कैसे भी तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। यदि कर्क राशि की महिला हो और कर्क राशि का ही पुरुष हो तो ये भी संबंध बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन बारह राशियों में से भी एक राशि सबसे और भी अच्छी मानी जाती है, वो है मीन। यानी कर्क राशि की महिलाएं हो और मीन राशि का पुरुष हो, यदि इनके साथ इनके संबंध बनते हैं तो ये भगवान के समान की जोड़ी होती है, जैसे सीताराम की, राधे श्याम की, शिव पार्वती की, विष्णु और लक्ष्मी जी की। ये बहुत ही अच्छी, सुखदायक और जीवन में खुशहाली लाते हैं। ये रिश्ते बहुत ही खास होते हैं। ये आप जब रिश्ते जोड़ने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें और जो जुड़ चुके हैं उनको सच्चाई के साथ निभाएं। तो मेरी माता बहनों, मैं आपके लिए बहुत ही खास इसी तरीका से टॉपिक लेकर आता हूँ, और यदि आपको मेरा बताया हुआ टॉपिक, ये सत्यवाणी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना और कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि आप में से कोई माता बहन अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहती है तो देर ना करें, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल भेजें या हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है उसका समाधान कराने के लिए भी आप हमसे संपर्क करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और अपनी माता बहनों करता हूँ नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी को पंडित राजगुरु शर्मा का जय हिंद, जय भारत।